बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस। आप है ना, मतलब सर्दी के मौसम में तो आए यहाँ पे, आपको सच्ची में बहुत मज़ा आएगी। आपको बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, थोड़ी थोड़ी सी भी बारिश अभी होके ख़त्म हुई, अभी ज़्यादा अभी ख़त्म हो गई। इतनी ठंड है, इतनी ठंडी कहती हूँ, मतलब आपको दिखाती हूँ इतनी मोटी जैकेट अभिया ने पहनी, अभिया ही दिखाती हूँ, वैसे हमने पहनी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना। अभिया को इतनी मोटी जैकेट पहनी है इसने, इसी तरह हमने भी मोटी जैकेट पहनी। और बहुत ठंड है, सच्ची में बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। फजर में ना बाहर से नहीं खुला होता है, अंदर से खुला होता है, अंदर से जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा गीला गीला हो रहा है, और वो रहा हरा। सर्दी के उसमें ना हम लोग बोलते हो तो भी आपको ना, मतलब थोड़ा सा भी बोलते हैं कोई सांस होने लगती है, और चलते हो ना थोड़ा सा तो भी आपको पैर दर्द होने लगते हैं। सर्दी है ना, इसलिए पूरी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं पूरा हरम जो ना भीग चुका है, पूरा भीग चुका है हरम। सच्ची में हरम में आके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे अपने जूते जूते रखेंगे, अब हमें कार्ड देंगे, अमानत की ज़रूरत है, तो हम जब वापस आएंगे तो कार्ड दिखाएंगे, तो हम फिर जूते दे देंगे। तो अभी हम हरम के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें बैठना था यहाँ पर बाहर, बट ये पूरा गीला हो चुका है, तो हमें नहीं पता बारिश होने वाली थी, बट पूरा गीला हो चुका है, तो हम अंदर बैठेंगे। और अभी है यहाँ पर चांसेस कि आज बर्फ़बारी होगी, वो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, मैं तो उस व्लॉग में पूरा दिखाऊंगा मेरी फर्स्ट बर्फ़बारी होगी। तो अभी हम लोग कुरान पढ़ेंगे, और फिर हम थोड़ा टाइम पर बैठेंगे, फिर हम चले जाएंगे। आप सब भी ज़ियारत कर लें। कुरान भी पढ़ लिया, सब कर लिया। अभी मैंने आपको आज व्लॉग में सबसे शुरू में ही याद कर दिया। और अब यहाँ से आता ना बाहर इतनी सर्दी हो गई है, इतनी सर्दी हो गई, लगता है एसी में जाते हम लोग जूते लेंगे अभी हम अपने, और फिर हम जाएंगे होटल। तो अभी हम यहाँ पर रोटी लेने आए हैं, जहाँ पर कोई दुकान पर यहाँ पर कैसी रोटी होती है, यहाँ पर इतनी बड़ी रोटी होती है, यहाँ पर वो नहीं है कि मतलब गोल होनी चाहिए रोटी, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी रोटी होती है कि हम लोग एक रोटी भी है ना पांच बंदों पे बचती है, ऐसी सच्ची में बहुत। हम लोग ने कल करा था ना खाना खाया था, तो हमारी रोटी बची थी। तो अभी हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं होटल, और हमने कुछ यहाँ से ले लिया नाश्ते के लिए, तो वो हम कमरे में बैठ के खा लेंगे। देखिए अब आसमान डिग्री होगी, माइनस पर डिग्री है। अभी हम घर जाके चेक करेंगे कि कौन कितनी डिग्री है, फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन होगी 1 डिग्री तो होगी। बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा। हाँ चलो सख्त हो रहे, सख्त इतने ठंडे, इतने ठंड के हाथ में 2 डिग्री जो है ना वो -1 है। अभी हमने चेक किया तो -1 डिग्री है। ये मलाई जैम है, ये डोनट्स है, और ये कपकेक्स है, यहाँ पे चाय और कॉफ़ी। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, और फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम कुंड से बाहर आ गए, हम काशान पर आ गए, अभी हम चमकान शायद चमकान भी चाहेंगे, और अभी हम वाटरफॉल देख जाए चमकान जिन में वो नहीं पता, बट हम भी जा रहे हैं। और अभी हम कुंड से बाहर आ गए, अभी हमने अब कुंड से बाहर आ गए, तो हम लोग ये काशान रोड पर है, हाईवे टाइप का शान रोड है, इनका अलग नाम होता होगा ना, तो काशान रोड है। और हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है, इतनी सर्दी आ गई है कि हमारे मुंह से धुआं, जो बोल रहे ना साथ में धुएं भी निकल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आगे गाड़ी में रास्ता ही नहीं दिख रहा आगे का, इतना धुआं हो गया, इतना धुआं हो गया, क्योंकि ना हम देखने तो वाटरफॉल जा रहे थे, बट है ना सुबह फजर के टाइम पर यहाँ पर फजर या 7 o'clock पर यहाँ पर बर्फ़बारी हो गई थी, स्नोफॉल हुई थी, तो वो यहाँ पर ना स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पर बर्फ़ है, उन्होंने कहा यहाँ पर बर्फ़ बहुत है, आगे जाएंगे तो पता चलेगा कितनी बर्फ़ है।
बर्फ देख पहाड़ पे बर्फ देख। अरे कैमरे में दिख रहा है बहुत बर्फ है ना। आ रही है। तो अभी हम बाहर निकले देखने के लिए कि यहाँ पे इतनी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी हम गाड़ी बैठेंगे और ऊपर जो पहाड़ है ना वहाँ पर जाएंगे। अभी हम यहाँ पे इतनी बर्फ़ है ना कि वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल है। और जो भी बोल रहे हैं धूप इतनी निकल रहे हैं। अभी हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, इतनी बर्फ़ है कि हद है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अभी हमने सोचा तो है कि हम स्नोमैन बनाएंगे। अभी हालत ऐसी हो गई है हमारी कि हद नहीं। हमारे तो आप शायद करते लेकिन आप सारी पूरा बर्फ़ बन चुका है। ये देखिए आप पूरी बर्फ़ बन चुकी है। अभी हम और ऊपर जाएंगे फिर हम खेलेंगे। अभी चाय पीने के लिए रुके हम, चाय पीते फिर हम ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा खेलेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग तुम जगह बहुत ही अच्छा बन गया। मुझे आप लोग को यही दिखाना था, बर्फ़ दिखानी थी और पूरी बर्फ़ दिख रही है। अभी हम चाय पी रहे हैं गरम गरम, इनकी कावा टाइप चाय भी है। आप यहाँ पर जरूर आएगा मेरा कर आ रहे ना। हम कौन से भी बाहर निकल चुके हैं, हम काशान के एरिया पर यहाँ पर है। फाइनली आप चाय देखने को मिले। ये रहा आप चाय, ये रहा आप चाय, बड़ा फेरी। हम लोग इतनी सारी बर्फ़ और ये वाटरफॉल। अभी हम बहुत ज़्यादा अभी स्नोमैन बनाएंगे, हम आगे जाके बर्फ के स्नोमैन बनाएंगे। इतनी के नीचे इतनी बर्फ़ ना कि हद नहीं। हमने फोटोज़ खींची थी, अभी स्नोमैन ही बनाएंगे। अरे लाख देखो ऊपर ऊपर बर्फ़, नीचे बर्फ़, ऊपर बर्फ़, हर जगह बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। अभी हम यहाँ पे बैठ के स्नोमैन बनाते हैं। स्नोमैन दिखाओ। अभी दूसरी जगह जाएंगे ना, यहाँ बड़ा वाला बनाएंगे। ठीक है, मज़ा आ गई ना। अभी ये रहा भुट्टा बन रहा है, अभी हम भुट्टा खाएंगे गरम गरम, गरम गरम भुट्टा खाएंगे। मैं आप लोग को बर्फ़ दिखाती हूँ। अभी अभी जो है ना वो चली गई है, वो अभी आलू भी दिख नहीं आया कैमरे में, चली गई। उसके पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ था, ठंडी है ना बहुत, इसलिए हमें पता नहीं था कि हम बर्फ़ में आ रहे हैं। हमें बस होता है कि हम यहाँ पर आ रहे, क्या नाम था, वाटरफॉल में। बट वाटरफॉल का भी इतनी बर्फ़ थी हमें नहीं पता था। तो हम ना इतना मोटा तो पहने, लेकिन वो मोटा नहीं पहने जो हमने प्रिपरेशन की थी कि हम बर्फ़ में जाएंगे तो हम पहनेंगे। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा दूर है, हमें भी बस जितना आपको कैमरे में दिख रहा है ना उतना ही दिख रहा है हमें भी। ऐसे ऐसे यहाँ पर लोग रहते हैं, इनको तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। जो यहाँ पर रहते हैं इनको बिल्कुल भी लगती है। जो हम जो कराची में कॉटन की जो नहीं जैकेट्स पहनते वो पहन के घूमें, और हम यहाँ पर पैराशूट की पहन रहे, हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रही। बर्फ़ बर्फ़ गिर भी नहीं, मतलब बस ये कि बर्फ़ बारी हो जाती है और मज़ा आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं आपको बर्फ़ उठा के दिखाती हूँ। वेट देखे नीचे खाई ये रही बर्फ। हाँ 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 ये रही बर्फ। ये पहाड़ है सब, दरख्त है और यहाँ पे भुट्टा बन रहा है। ये पूरी बर्फ है, ऊपर बर्फ, हर जगह बर्फ बन गया। अरे यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, इनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। इनका यहाँ पर रोज़ाना यहाँ पर ही रहते हैं लोग, तो लोग बर्फ में रहते हैं। दिखाती है अंदर जाकर दिखाती हूँ। ये अंदर एक स्टोर बना हुआ है। ये स्टोर यहाँ पे चिप्स बिस्किट्स कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ है यहाँ पे। स्वीट कॉर्न आ गया, अब हम इसको नीचे लेकर जाएंगे गाड़ी में। बहुत नीचे हमारा भी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ले जाए सही से। तो अभी मैं नीचे जाके व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी व्लॉग पर आई थी, इसलिए बोलते होते बची। तो इसलिए अभी मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँगी उतने की बनाऊँगी नहीं। अभी हम नीचे जाते फिर हम बीच में कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। और मुझे कमेंट जहाँ प्लीज़ ज़रूर बताएंगे आपको व्लॉग कैसा लगा है, और मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके मेरी और व्लॉग्स की। हम ये खा रहे स्वीट कॉर्न्स, और ये रहा पूरा बर्फ़ का यहाँ पर, बहुत बर्फ। यहाँ पर सुबह 7-8 बजे ना बर्फ़बारी हुई थी, बट हम अभी आए थे, हम 12:15 बजे आए, 12:15 साढ़े 11 बजे आए।
का एक घंटे का ही सफ़र है, इसमें कम से निकलना है देन इस तरह करना है, इसलिए बहुत देर का सफ़र है, इसलिए तो हमें इसकी देर हो गई। इंशाल्लाह हमें बर्फबारी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब बोल रहे हैं धुआं निकल जाए, हमें ये चाहिए था कि हमारे मुँह से धुआं निकले। आप देख सकते हो जितना बुखार इतना बहुत ही ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा माइनस पे होगी, ज़्यादा मज़ा आया। फाइनली जा रहे हैं अभी, अब देखते हैं जब करान जाए या नहीं जाए, वरना फिर होटल जा रहे हैं हम लोग। अभी अभी स्वीट कॉर्न चाहिए, स्वीट कॉर्न के अंदर ही ना बहुत मसाला और ना कुछ डाला है उन्होंने, चीज़ डाली, चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आएगा, विरान आ रहे ना कुमारे तो यहाँ पर आप आए, बहुत ही मज़ा आएगा, अब फैमिली के साथ ज़रूर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं देख सकती हूँ पूरी दुहा 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 हाथ जो है ना आपको दिखाती हूँ, वेट ऐसे सख्त हो रहे, सख्त हो रहे, मैं आपको दिखाती हूँ, सख्त हो गया हाथ मेरा भी, सबके हाथ सख्त हो गए, अबिया का तो पैर भी सख्त हो गया, दिखाओ अबिया हाथ अपने अबिया। जब हमने होटल चार्टर पर मैं आपको दिखाती हूँ, बीच के रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी जब बर्फ बर्फ हो गया वहाँ। होटल जा रहे हैं और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद होटल का दिखाती हूँ। मेरे मोबाइल जो है ना, मोबाइल की चार्ज पूरी लो हो चुकी है, तो मैं आपको होटल में जाकर दिखाती हूँ। घर आ गए, घर अपने रूम में आ गए, तो अभी हमें बहुत भूख लग रही थी इसलिए हमने पिज़्ज़ा और पेटीज टाइप ये एक सैंडविच है वो खाया, और अभी हम खा रहे खाना, हमने रूम में मंगवा लिया खाना, हमने रूम में खा रहे हैं, शायद हम लोग सो जाएंगे थोड़ी देर, हम लोग बहुत थक गए। हम लोग आए थे काशान से 4 बजे थे हमें, उसका रास्ता ही एक साढ़े एक घंटे का सब रास्ता था, तो अभी हम उस वक्त हम आए थे, फिर हम सो गए, इतनी गहरी नींद लगी थी हमें, पहले तो हमने सारे फ्रेश हुए, सेम वाली प्रॉब्लम सारी ठीक हुई नेट की सुन के, उसके बाद हम लोग है ना जाकर सो, इतनी गहरी नींद में सो कि अभी 11 बजे, अब जा 11:10 बजे उठे थे हम लोग, अभी फ्रेश होकर हम बाहर आए, और यहाँ पे नेट का रियल में बहुत ही ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा सिम लगाने के बावजूद बहुत इशू है, और अभी जाके हम बाहर आए, अब हम जा रहे हरम, और पे इतनी बारिश हो रही थी ना, अभी स्ट्रीट्स हो गई है, सूख गई है, क्योंकि बारिश जो हो रही थी 7 बजे हो रही थी, बहुत तेज़ तो 6:30 बजे हो रही थी, 7 बजे हल्की हल्की चली थी, 6:30 से 8 तक अपना बारिश चली थी, शायद आगे भी चल रही हो, मैंने देखी नहीं, मैं तो सो रही थी, चल रही होगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं, और अभी हमने टेम्परेचर देखा है तो 3 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फील्स लाइक 1 है, मतलब अभी 1 डिग्री का हम लोग खड़े हुए भी ना, तो हमारे जो हाथ है ना वो पूरे ना वो अरे करक हो रहे हैं, इतनी डिग्री, इतनी सर्दी है, 0 डिग्री। और अभी हम लोग जा रहे हैं हरम, हरम जाएंगे हम, सलाम भरेंगे और फिर हम लोग जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे होटल, होटल जाएंगे, शायद ही खाना खाए, क्योंकि खाने हमें मतलब भूख इतनी लगी नहीं है, अभी देखते हैं, लेकिन 0 डिग्री है, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ही ज़्यादा, फिर जुलूस हो रहा है, पर मातम हो रहा है, यहाँ में फातिमा ना शुरू हो गया, हमारे नीचे की जो होटल है वो बंद हो गई, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि शॉर्मा या फिर कुछ खाने को मिले, हम के घर ने खाना नहीं खाया, नहीं खुलेगा अभी, यहाँ बंद हो गया है, अभी हम जा रहे हैं आगे शॉर्मा, यहाँ पर हमें जो खाना था चिल्लू कबाब नहीं है, क्योंकि चिल्लू कबाब तो है बट होटल बंद हो गई, तो अभी हम जा रहे हैं आगे शॉर्मा के लिए, अभी शॉर्मा मिला है, अभी चिल्लू कबाब बन गया, चिल्लू कबाब खा लेंगे। तो हम लोग पहले ना आगे गए थे वहाँ पर, पिज़्ज़ा का मिला था, पिज़्ज़ा और बर्गर का, तो हमने पहले देखा क्या फिर प्राइस क्या, तो वो पता कितने का था, वो था 1,15,000 का था, मतलब इनकी 1,15,000 तुमान थे, और कराची का मुझे पता नहीं है, बट हमारे कराची में नॉर्मल प्राइजेस थे, तो बोला ना उन्होंने कि 1,15,000, क्योंकि मैंने हमने भी फर्स्ट टाइम इनकी इतनी प्राइजेस देखी, शॉपिंग करने हम नहीं गए,
तो मैं तो हैरान हो गई, 1,15,000 भाई इतनी ज़्यादा महंगा। लेकिन अभी हम फाइनली शॉर्मा मिला है, अब हम शॉर्मा खाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर शॉर्मा खाना है, ये बना रहे हैं यहाँ पर चिकन का। तो हमने 2 शॉर्मा लिए और 2 फ्रेंच फ्राइज लिए, क्योंकि हम चाह रहे ना तो, और हमें भूख भी लगी थी तो बहुत रात हो गई, इसलिए हमने 2 शॉर्मा लिए और 2 फ्रेंच फ्राइज लिए। उनको इतनी मुश्किल से समझाया कि चिकन शॉर्मा चाहिए, क्योंकि आप कम ही खाते चिकन, गोश्त खाते हो, कुछ इनका अलग से बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनको बहुत मुश्किल समझाया, लेकिन फाइनली हमें मिल गया शॉर्मा। हम ये जाएंगे होटल में, वहाँ हमारा होटल है पूरा ब्लैक वगैरह, वहाँ भी जाएंगे होटल में और फिर हम खाएंगे। हमारा भी खाना आ गया फाइनली, शॉर्मा और फ्रेंच फ्राइज आ गए, अभी हम वो खाएंगे और फिर हम, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम ब्लॉग एंड कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।